9 मई को जिले के डोंगरगांव दसंगा के बीच पुल पर हुए हादसे में उन पुलिस ने चालक सुनील राठौर और परिचालक मृतक संतोष बारचे के साथ बस मालिक प्रवीण सोहनी पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। परिचालक की मौत हो चुकी है जबकि चालक घायल होने से पुलिस कस्टडी में उपचाररत है। बस मालिक प्रवीण सोहनी को पुलिस ने हादसे के तीसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गिरफ्तारी पर शनिवार को बस ऑपरेटरों ने आपत्ति दर्ज कराई है। निमाड़ बस ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले बस चालक एसपी कार्यालय पहुंचे। एसोसिएशन के वैभव सिंह तोमर, हबी उल्लाह मिर्जा, प्रवीण सोहनी, भूषण यादव आदि ने एसपी को बताया कि उक्त घटना दुखद है, हमारी शोकाकुल परिवारों के लिए संवेदना है, लेकिन उक्त दुर्घटना यांत्रिक त्रुटि के कारण हुई है। इसके बाद भी वाहन मालिक के खिलाफ धारा 304-34 जैसे गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि वाहन मालिक का इसमें कोई दोष नहीं है। यदि हादसों में बस चालकों को आरोपी बनाया जाएगा तो वह उक्त व्यवसाय करने में असमर्थ रहेंगे। एसपी ने वाहन चालकों को विधि सम्मत कार्यवाही का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। किस मामले को यहाँ पर आए थे? अभी जो विगत दिनों में एक बड़ी दुखद घटना हुई और उसमें वाहन स्वामी को आरोपी बनाया गया, इस संदर्भ में हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया है कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमारा सीधा सीधा कोई संबंध इस प्रकार की दुर्घटना में नहीं रहता है। यह यांत्रिक त्रुटि या और अन्य किसी कारण से, जैसे रोड हुए, रोड पे साइन बोर्ड नहीं है, कई कारण रहते हैं, उसके कारण दुर्घटना होती है। मोटर मालिक का कहीं भी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है कि दुर्घटना हो, क्योंकि उसमें हमारा नाम खराब होता, हमारा नुकसान होता और हम भी एक तरीके से समाज के अंग है, तो हमें भी इस तरह की घटनाएं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब इस बात को माना जाए कि रोड के ऊपर साइन बोर्ड या सूचना सत्य तक नहीं रहते, उसकी वजह से भी हादसे मतलब जी बिल्कुल 100% या मैं कहूँ 99% ये कारण रोड रहती है। जैसा आप लोग भी देखते हैं अभी इंदौर खंडवा की हालत, ओवरटेकिंग, आप खुद यदि इंदौर जाएंगे अपने निजी वाहन से तो ओवरटेकिंग करना चाहते, जल्दी निकलना चाहते पर नहीं निकल पाएंगे, और यदि जरा सी भी कोशिश आपने करी तो दुर्घटना का भय हमेशा रहेगा। 5-5 मिनट पर जो परमिट जारी होते हैं बसों में प्रतिस्पर्धा भी हादसों का कारण हो सकती है? नहीं जी, दुर्घटना का कारण वो भी है, हो सकता है, लेकिन इस मामले में वो कारण नहीं है। और 5-5 मिनट में तो सही बात है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई चीज़ें नहीं देखता, उसको सारी चीज़ें देखना चाहिए, रूट का सर्वे कराना चाहिए कि इस रूट पर कितना ट्रैफिक है, कितनी बसों की आवश्यकता है। और मोटर व्हीकल एक्ट में ये व्यवस्था भी है, लेकिन आजकल परिवहन विभाग को कुछ नहीं देखता। ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप भी है कि गाड़ियों को ओवरलोड भरा जाता है, उसके लिए काफ़ी देर होती है और उसके बाद में समय मिलाने के लिए वाहन चालक वाहनों को तेज गति से भगाते हैं। नहीं, ऐसा तो बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन पीछे वाला भी बस वाला रहता है, टाइम पर हमारी बसें निकलती है, ऐसा कोई कि लेट होती है या ट्रैफिक के कारण लेट होगी। ब्रजमोहन राठी, अध्यक्ष, इंदौर संभाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।